हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में खास क्या है, क्या सीखने वाले हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर उनके सब्जेक्ट्स की डिटेल और फिर उनका टोटल किया गया है। तो यहाँ पर अभी हमें एक फॉर्मूला यूज करना है और उस फॉर्मूले की मदद से, अच्छा देखिए ये फॉर्मूला काम कैसे करेगा। यहाँ पर कर्सर को रखता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके और फिर यहाँ पे लगाता हूँ फ्लैटन। तो आपको फ्लैटन ही लगाना है, तो यहाँ पर FLA प्रेस करेंगे, यहाँ पे फ्लैटन आ जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या टैब बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने टैब प्रेस कर दिया है और अब आपको करना क्या है, यहां से आप इस वाले रो को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कर लिया कॉमा दीजिए, और फिर सेकेंड वाले रो को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कर लिया कॉमा दीजिए, कॉमा देने के बाद थर्ड वाले रो को सेलेक्ट कीजिए और फिर आप चाहे तो कॉमा दे सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमको टोटल करना है तो टोटल को सेलेक्ट कीजिए और फिर इस ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। देखिए ये फॉर्मूला करता क्या है, फ्लैटन कर देगा, यानी कि एक ही रो में सबको लेके ये आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेम ऑफ स्टूडेंट तो आया ही आया है, नंबर्स सब्जेक्ट वन के, फिर सब्जेक्ट टू के, सब्जेक्ट थ्री के और टोटल, ये सारी चीजें इस तरीके से आ जा रही है। ये बहुत दफा और आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू फ्लैटन, तो ये लगाया मैंने फ्लैटन, तो फ्लैटन लगा दिया। और फ्लैटन लगाने के बाद आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, पहले वाली रो को कॉमा, फिर दूसरी वाली रो को, आप चाहे तो जितनी रो उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ कॉमा दीजिए और कॉमा देने के बाद फिर यहाँ तीसरी रो, फिर चौथी रो, जितने हो सके आप कर सकते हैं और एक ही रो में ही आ जाएगा, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया और फिर यहाँ पे कॉमा देने के बाद आप चाहे तो इसको भी ले लीजिए अकॉर्डिंग टू योर विश, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही ये कुछ इस तरीके से आ जा रहा है। तो ये बहुत इजी है, आई होप कि ये आपको जरूर काम करेगी और आपके काम ये भी आ सकता है फॉर्मूला। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।